नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया में। इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व करेंगे, बीएड फर्स्ट ईयर का 2022 का क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है ए, और इसमें पेपर नेम क्या है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, ये हिंदी है, हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे जो पेडागोजी में आता है BD 106 में, डी वाला है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे, इसमें पूरा पेपर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ये एक लैंग्वेज में है, हिंदी का, इसलिए एक ही लैंग्वेज में आता है पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मातृभाषा बालक के डैश की भाषा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के मुख्य कौशल सुनना डैश एवं बोलना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पढ़ना लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भाषा शिक्षण की सफलता डैश पर निर्भर करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा का सीधा संबंध डैश से होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 5, पालने की भाषा कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 6, लिखने पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेडी मॉन्टेसरी। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए कि राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, मानव की प्रगति का सर्वोपरि साधन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा का ज्ञान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रभाव होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विदेशी भाषा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा के रूप होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा से चढ़ के सिद्धांत हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास। क्वेश्चन नंबर 18, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा और लिपि के बीच डैश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई निश्चित संबंध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामान्य और विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा को बोलने में किसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों का। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ड डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 23, माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, अनुवाद करके अपने शब्दों में लिखना किस पक्ष के अंतर्गत आता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोध। क्वेश्चन नंबर 27,
ब्लूम के अनुसार सीखने के उद्देश्य हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 28, संश्लेषण करना उद्देश्य के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा सीखना मात्र सीखना नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 30, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने लगाया है तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, वार्तालाप की कुशलता के आधार हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के साधन हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, लिखते समय कॉपी को आंखों से दूरी पर रखनी चाहिए? इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया है, इसका राइट आंसर अगर आपको मालूम पड़े तो इसका कमेंट कीजिए। जैसे ही जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं अगर हमें उनके आंसर मिलते हैं तो उनको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स देख सकें। क्वेश्चन नंबर 34, अक्षरों का अंक ठीक अनुपात में होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिखित भाषा। क्वेश्चन नंबर 35, किसी लेख का अनुकरण करना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, लिखते समय पृष्ठ पर हाशिया छोड़ना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 343(1). संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास हेतु विशेष निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 351। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 41, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा द्वारा ही प्रदान की जाए, इस हेतु? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 42, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 43, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रिंट समृद्ध वातावरण। क्वेश्चन नंबर 44, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लयात्मकता। क्वेश्चन नंबर 45, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मात्राओं का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 46, किस विद्या के शिक्षण में मौन वाचन प्रभावकारी होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निबंध। क्वेश्चन नंबर 47, वार्तालाप मुख्यतः है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुनने और बोलने की क्षमता में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 48, मौन पाठ में मुख्यतः है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, अल्प विराम का चिन्ह होता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, गद्य शिक्षण की विधि नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गीत विधि। क्वेश्चन नंबर 51, व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 52, नाटक शिक्षण की प्रणाली नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शब्द व्याख्या प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग की सिफारिश की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कौशल विकास।
क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2010। ये बनाया गया था 2009 में, लेकिन लागू किया गया था 2010 में। क्वेश्चन नंबर 55, ज्ञानात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 56, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कल्पना शक्ति, चिंतन एवं सृजनात्मकता बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 57, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58, संक्षिप्त विषय वस्तु का शिक्षण कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 59, भाव सौंदर्यानुभूति का रसास्वादन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कविता। क्वेश्चन नंबर 60, नियम उदाहरण विधि कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 61, साहित्य की विद्या नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चित्राकृति। क्वेश्चन नंबर 62, गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, गद्य शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आदर्श वाचन। क्वेश्चन नंबर 64, काव्य शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाव विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 65, भाषा में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे डैश? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, द्रुत पाठ की विधि को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वतः अध्ययन विधि। क्वेश्चन नंबर 67, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 68, प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के संबंध में सर्वोत्कृष्ट के लिए अंक निर्धारित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया है। इसका राइट आंसर अगर आपको मालूम हो तो इसका कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69, ज्ञान किसी की बपौती नहीं है, उसका माध्यम केवल पुस्तक है, किसने कहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आवश्यक है कि उसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्यागत विधिवत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, अच्छी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है जिसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72, भाषा की पढ़ाई डैश? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 73, अध्यापक के कार्य को नियमित, नियोजित और व्यवस्थित करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण विधियाँ। क्वेश्चन नंबर 74, किसने कहा जो योजना प्रत्यक्ष रूप से स्थिति के अनुकूल नहीं है उसे प्रयोग करना भारी भूल है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट कीजिए। पाठ का शीर्षक कहाँ लिखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकरण के आगे। क्वेश्चन नंबर 76, इसका भी आंसर नहीं मिल पाया, इसको भी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 77, इकाई योजना के सोपान हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78, पंचपदी प्रणाली के नाम से विख्यात है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर्बार्ट। क्वेश्चन नंबर 79, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री को श्रेणियों में बांटा जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 80, जहां विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के अभ्यास द्वारा भाषा सीखते हैं वह है?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर 81, एक बार देखना 100 बार बताने से अच्छा है, इससे तात्पर्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82, चित्र एवं मानचित्र सहायक सामग्री है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दृश्य। क्वेश्चन नंबर 83, दृश्य श्रव्य साधन होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, मैजिक लैंटर्न कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चित्र विस्तारक। क्वेश्चन नंबर 85, बालकों में रटने की प्रवृत्ति कम होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 86, मातृभाषा शिक्षण के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाषा प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 88, पढ़ने की कुशलता विकसित करने के आवश्यक हैं कि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बालकों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सी आधुनिक सामग्री है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90, ICT महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91, निदान का अर्थ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, उचित गति व आरोह अवरोह के शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौखिक परीक्षा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93, जो प्रश्न निश्चित स्पष्ट और संक्षिप्त होते हैं वह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, भाषा तथा लेख का प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निबंधात्मक परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 95, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96, उच्च स्तर के उद्देश्यों के मूल्यांकन हेतु किस प्रकार की परीक्षा उचित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी भाषा में सतत मूल्यांकन करते समय किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 98, निदानात्मक परीक्षण प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानसिक मंदित बालक हेतु। क्वेश्चन नंबर 99, मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर पाठ योजना के संकेत हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100, गीतांजलि की रचना किसने की थी। यह प्रश्न कौन सी परीक्षा का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यास्मरण रूप। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी बुक की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।